फिल्म भारत के इस भाग में भाग दो में आज आप देखिए हमारे साथ महाभारत के भौतिक साक्ष्य अर्जुन की नंसार कुंतलपुर कुतवा मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित इस फिल्म को देखिए और वह स्थान देखिए जिसे दुर्वासा मुनि की तपस्थली और कुंती का शिव मंदिर यहाँ स्थापित है। यहाँ पूरा शिव परिवार स्थापित है। यहाँ पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा की। उसके ठीक नीचे आसन नदी स्थापित बहती है और उसी आसन नदी में जहाँ पर सूर्य का रथ उतरा मंत्र के आह्वान से सूर्य देव आए कर्ण का जन्म हुआ ये वही जगह है। ये वही शिव मंदिर है जो आप देख रहे हैं। ये इस पर पूरी फिल्म और वह जगह देखिए जहाँ पर सूर्य के घोड़ों के टापों के निशान आज तक चट्टानों पर जो के जो मौजूद आए वो सभी निशान हम दिखाएंगे और जहाँ पर स्वयं सूर्य के पग चिन्ह भी मौजूद है वह स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। आज हम आपके समक्ष फिल्म भारत का भाग दो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पीछे भारत फिल्म के भाग एक में देख चुके हैं कि भारत किसका नाम है, भारत किसे कहते हैं और भारत किसे कहा पुकारा गया है, भारत के सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और जिससे पूरा विश्व वाकिफ है। श्रीमद् भगवद गीता में यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है, अर्जुन से कहा है, और अर्जुन को भारत कहकर पुकारा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की वृद्धि करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के, कल्याण करने और उनकी उन्नति के लिए
तथा दुष्ट असुर व अत्याचारी जुल्मी लोगों का विनाश करने के लिए मैं स्वयं को हर युग में बार बार प्रकट करता हूं, मैं आता हूं और धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करता हूं, अधर्म का विनाश करता हूं, साधु पुरुषों का कल्याण करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं और दुष्टों का, असुरों का संपूर्णतः सर्वनाश करता हूं। तो यहां पर अर्जुन को भारत कह करके भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया है। क्यों किया है यह हम इस भारत फिल्म के पिछले भाग में, भाग एक में बता चुके हैं और श्री वेद व्यास जी द्वारा इस संबंध में बोले गए श्लोकों का उच्चारण भी कर चुके हैं और उनकी व्याख्या भी कर चुके हैं। अब हम इस बात पर आते हैं, अभी कुछ समय पहले किसी अखबार में एक कटिंग में मैंने पढ़ा था, IIT खड़गपुर का एक बहुत छोटा सा 4 लाइन का एक स्टेटमेंट था जो हमारी भारत फिल्म का पहला भाग गया उसके बाद में स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था, उस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि भारत का इतिहास 5500 साल पुराना नहीं, 8000 साल हड़प्पा और वो सिंधु घाटी जो फर्जी सभ्यताएं इन लोगों ने बनाई हैं, जो कभी यहाँ कभी भारत में थी ही नहीं, महाभारत में कभी थी ही नहीं, न हड़प्पा था और न कभी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता विता कुछ नहीं थी। क्या था वो सब सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, चारों वेद, सभी उपनिषदों, सभी पुराणों और श्री रामचरित मानस तक में संपूर्ण उल्लेख हैं। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ हैं हमारे, तंत्र संबंधी हैं, मंत्र संबंधी हैं, यंत्र संबंधी हैं, चाहे शाक्त प्रमोद हो, चाहे तंत्र महार्णव हो, मंत्र महार्णव हो, मंत्र महोदधि हो, तंत्र महोदधि, सभी लगभग सभी कुलाणों में, तंत्र में, सब में ये विवरण उपलब्ध है। और भारत शब्द एक बार नहीं बल्कि तोमर राजवंश के लिए, अर्जुन के वंशजों के लिए करीब करीब हर ग्रंथ में और हर अध्याय में उच्चारण किया गया है। महाराजा जनमेजय सिंह तोमर को, महाराजा परीक्षित को, सभी को भारत कह करके पुकारा गया है और बार बार यह कहा गया है कि तुमको भारत क्यों कहा जाता है। वेदव्यास जी का श्लोक तो हम पिछले भारत फिल्म के भाग एक में बता चुके हैं, लेकिन अन्य जो ऋषियों और मुनियों और विद्वानों के जो श्लोक हैं उनके उच्चारण इस फिल्म में आगे आएंगे, जहां जहां उन्होंने भारत कहा। दूसरा ये, यह भारत और महाभारत, भारत ने महाभारत बनाया था। महाभारत का अर्थ है विश्व साम्राज्य, जिसका नक्शा हम अपनी फिल्म में दिखा चुके हैं, भाग एक में भी और भाग दो में भी दिखा रहे हैं, और यह नक्शा वर्णित है बाकायदा महाभारत में, और उसी प्रमाणित नक्शे को जो कि उस ग्रंथ में वर्णित है जैसा का तैसा दिखा रहे हैं। इस संबंध में विबुध श्रीधर महाभारत और श्री भागवत ये प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इन नक्शों के बारे में विबुध श्रीधर उस समय लिखा गया जब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर दिल्ली के सम्राट थे,
उस समय चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा गया। पृथ्वीराज रासो में भी महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर का विस्तृत विवरण दिया है। दिल्ली में किल्ली गाड़ने का विस्तृत विवरण दिया है और उनके इंद्रप्रस्थ साम्राज्य का कितना भव्य था, कितना व्यापारिक रूप से समृद्ध था और क्या नक्शा था, क्या उसके महल का रूप था, ये सब विवरण पृथ्वीराज रासो में भी वर्णित किया है चंद्र बरदाई ने। और विभुद श्रीधर ने तो पूरा ग्रंथ इस पर बड़ा सुंदर लिखा। ये उसी वक्त उसी समय महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के वक्त में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो जो घटना जिस समय घट रही हो उस वक्त जो चीज लिखी जाती है केवल उसी को प्रमाणिक माना जाता है। आज 1000 साल बाद फर्जी लोग पैसा लेकर धन के लालच में फर्जी इतिहास रच दिया, भारत का फर्जी पूरा कर दिया। आईआईटी कब खुला? आईआईटी क्या 5500 साल पहले था या 8000 साल पहले था? आज खोज कर रहे हो, किस आधार पर कर रहे हो? जब ताजमहल की खोज की गई तो उसका कार्बन डेटिंग जो निकला वो शाहजहां से 300 साल पुराना निकला है। क्यों? आईआईटी के पास कोई जवाब है इस बात का? आईआईटी कहती है शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, जबकि उसकी बेगम का नाम था मुमताज। अरे उसे बनवाना था तो मुमताज महल बनवाता। और कब्रों के नाम महल रखे जाते हैं क्या? किसी भी मुगलिया सल्तनत में, मुसलमानों में, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कब्र का नाम महल रखा गया है आज तक? कहीं भी मौजूद है? इस पर हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। हमारे पास में फिल्म मौजूद है, हमारे पास फिल्म आ चुकी है। ताजमहल की भी फिल्म मौजूद है हमारे पास में, अजमेर शरीफ की भी फिल्म मौजूद है और हमारे पास मक्का और काबा की भी फिल्म मौजूद है। हम बताएंगे उसमें सच्चाई क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये आगे की बात है। फिलहाल हम भारत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, भारत के संबंध में बात कर रहे हैं। तो पहले तो आईआईटी वाले, खड़गपुर वाले नोट कर लें, महाविद्वान प्राणी, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी, या तो भारत में जितने भी पत्रा चल रहे, पंचांग चल रहे, उनको फाड़ के फेंक दें। और जो नासा ने जो इतिहास बताया है उसको फाड़ के फेंक दें, क्योंकि वो नासा से भी अधिक विद्वान है। और ऐसे विद्वानों को हम बताना चाहेंगे कि भारत का इतिहास कितना पुराना है और भारत कितना पुराना है। भारत का 5500 साल का तो केवल तोमर राजवंश का राज्य रहा है। केवल तोमर राजवंश ने 5500 वर्ष तक महाभारत पर साम्राज्य किया है इंद्रप्रस्थ के किले से। इंद्रप्रस्थ का किला यानी पुराना किला नई दिल्ली में जो स्थित है, 5500 साल तो केवल हमारा साम्राज्य रहा है। भारत का इतिहास कितना पुराना जानते हो? भारत का इतिहास, अब सुनिए आप, खुद ही जोड़ जोड़ लेना। सतयुग की उम्र 1,72,08,000 वर्ष, ठीक इतनी। त्रेता युग की 1,29,06,000 वर्ष इतनी हुई। द्वापर काल की उम्र 86,04,000 साल इतनी। और कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से
5117 मंडली बारे वर्ष में कलयुग के गुजर जे चुके तुम्हारी हैं, जानकारी पहले यानी कि दुर्वासा महाराजा ऋषि यहाँ परीक्षित पर का रहते थे, साम्राज्य, तपस्या तोमर करते थे, राजवंश के जो महाराजा परीक्षित थे, वेद जिन्होंने की सेवा कलयुग पूजा को में इस कुंती धरती मैया पर आने की अनुमति दी और उसे कुंती रहने के मैया लिए आती कुछ यहाँ स्थान तय पूजा किए। में तो उनकी सेवा करती, सेवा यानी करने के महाराजा बाद में परीक्षित जब वे गए 5117 यहाँ से वर्ष ऋषि पूर्व महाराज, तो उनको 5 मंत्र थे दिए गए, 5 मंत्र दिए महाभारत गए। के सम्राट। अब आप जब इन सब का जोड़ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आपने खुद ही निकाल लें। सतयुग 1,72,08,000 साल, ठीक। त्रेता 1,29,06,000 वर्ष। द्वापर युग 86,04,000 वर्ष। और कलयुग के निकल गए 5,117, यानी 5,117 साल। अब आप इनको जोड़ लीजिए, भारत का इतिहास इतना पुराना है, समझे? क्या 8,000 साल, 8,000 साल करते हो? 5,500 वर्ष तो केवल हमने राज किया है महाभारत पर, विश्व पर। भारत का इतिहास इतना पुराना है, ये सारी आंकड़ों को जोड़ लेंगे आप तो भारत का इतिहास आपको पता चल जाएगा कितने वर्ष पुराना है। वहीं से मैया का जो कर्म पैदा हुआ वो खार में बहाया गया। अब इसमें ये तो चतुर्युगी हुई, चतुर्युगी का प्रमाण है हर पत्रा में, हर पंचांग में दिया हुआ है, और यही नासा का कहना है, यही नासा का रिकॉर्ड है। और उसमें जो सृष्टि जो हुई है, इसमें सृष्टि होने का भी संख्या दी हुई है, और ये संख्या जो है, जैसे एक हमारे संत हैं उनके पैर में लग गई है, उनके 10 अंकों में थोड़ा चोट आ गई है, जब से बिन्ने बुला ले तब से सृष्टि को हुए। संख्या नोट कर लें IIT के वैज्ञानिक, महाविद्वान वैज्ञानिक, और इन पत्रा पंचांगों को और सौर सिद्धांत नामक जो पुस्तक है, या लीलावती जो गणित की किताब है, उसे झुठला दें, जिसे नासा रख के चलता है आगे और उसी पर रिसर्च करता है, इन पुस्तकों पर। इसीलिए अमेरिका आगे निकल गया, तुम उनके पीछे लगे हो और वो तुम्हारे ग्रंथों से रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में जो भी 5 महाशक्तियां हैं, वे 5ों महाशक्तियां भारत के ग्रंथों से और भारत के ज्ञान से आगे बढ़ी हैं। इसको मैं अभी साबित करता हूं बाकायदा श्लोक के द्वारा। पहले ये 10 अंक की जो संख्या है, जब से सृष्टि बनी है, उसे सुन लें। 19558851 17, ये मैंने आपके लिए उस भाषा में बोल दी, इस भाषा में आप बोलते हैं, अब मैं हिंदी में उच्चारण करता हूं। 19558851 17, इतने वर्ष हुए सृष्टि का निर्माण हुए। अब आपको हम ये बताते हैं, 16 कला से पूर्ण पूर्ण अवतार श्री चंद्रवंशीय श्री कृष्ण चंद्र बलराम यो अवतार हुआ द्वापर में, कलयुग के प्रमाण का हो गया। और मैंने सारे आपको वर्ष संख्या इत्यादि, अब इसमें आपको बताते हैं कि राम रावण के युद्ध को कितने वर्ष हो गए, ये संख्या भी इसमें वर्ष संख्या दी हुई है।
ये संख्या है 8,80,158 वर्ष पूर्व राम रावण का युद्ध हुआ था। अब इसमें आगे जो संख्या है, श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ था 5,242 वर्ष पूर्व, ये वर्ष संख्या है। मैं आज 23 जून 2016 को यह संख्या बता रहा हूं। श्री कृष्ण का अवतार 5,242 वर्ष पूर्व हुआ था। अब जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसका भी वर्ष सुन लीजिए। महाभारत युद्ध का, कुरु पांडव युद्ध तो गताब्दा, यानी कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ उसको हुए 5,117 वर्ष हो गए, 5,117 साल पहले हुआ था। इतना वर्ष पुराना है भारत का इतिहास, समझे? 8,555 फालतू फालतू अर्जी फर्जी जान न ताना, न रिसर्च न रिसर्च, कुछ न कछा। पहले यही साबित कर दो जो दूसरे वैज्ञानिकों ने साबित किया है। हम फिल्म दिखाएंगे उसमें, उसमें बीबीसी में, बीबीसी की फिल्म है और उसमें क्लियर कट कहा गया है, खुद बीबीसी ने कहा है कि ताजमहल जो है शाहजहां से, जब उसका कार्बन डेटिंग निकाला गया तो शाहजहां से 300 वर्ष पूर्व पहले बना था। शाहजहां जब हुआ है उससे 300 वर्ष पूर्व का निर्माण है वो। तुम क्या साबित करते फिरते हो? खैर, ये तो रही वो वर्ष संख्या जो हम इस भारत फिल्म के दूसरे भाग में उच्चारण करना चाहिए। अब इसमें हम हल्दी घाटी युद्ध की, अभी हल्दी घाटी युद्ध का दिवस था जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और यह तोमर राजपूतों, चंबल के तोमर क्षत्रिय राजपूत, इंद्रप्रस्थ के तोमर, महाभारत के सम्राट, जब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर चंबल में ऐसा घड़ी में आए और उन्होंने ऐसा घड़ी को अपनी राजधानी बनाया, वहां पर अपनी घड़ी बनाई, किला बनाया। उसके बाद में ग्वालियर साम्राज्य स्थापित किया गया और आधे भारत पर कब्जा किया गया। ये तो वंशावली में आगे विवरण में ये सब चीजें आएंगी। लेकिन जो यहां का इतिहास है रामशाह तोमर का, हल्दी घाटी युद्ध का, इसका हम अपनी पिछली फिल्म में शनि निवारण, जो फिल्म है शनि निवारण तंत्र और शनि चालीसा, उसमें हम हल्दी घाटी युद्ध का और रामशाह तोमर का जिक्र कर चुके हैं। तो अभी 18 जून को हल्दी घाटी युद्ध का दिवस था, उस दिन रामशाह सिंह तोमर और उनके तीन पुत्र प्रताप सिंह तोमर, भवानी सिंह तोमर और शालिवान सिंह तोमर तथा पौत्र बलभद्र सिंह तोमर, पौत्र यानी नाती, शालिवान सिंह तोमर को महाराणा प्रताप की बहन ब्याही थी। शालिवान सिंह तोमर महाराणा प्रताप के बहनोई थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध केवल 500 वीरों के साथ, 500 तोमर राजपूतों वीरों के साथ में जाकर के और 20,000 की सेना से अकेले जाकर के रामशाह तोमर भिड़ गए थे। रात में जब मंत्रणा चल रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी महाराणा प्रताप के दरबार में, तो किसी ने कहा, जब महाराजा रामशाह तोमर ने वहां पर सलाह दी कि हमारी सेना कम है, हमारे संसाधन कम है, हम खुले मैदान में मान सिंह से युद्ध नहीं कर सकते, मिर्जा मान सिंह से। मिर्जा मान सिंह कछवाहा था, कछवाहा वंश का कलंक, और कछवाहा वंश है राम का वंश। राम के वंश पर यह कलंक है बहुत बड़ा।
वो कछवा वंश का मिर्जा मान सिंह, जिससे ये युद्ध हुआ था, अकबर का सेनापति, 20,000 की फौज के साथ में डेरा डाले हुए था। तो जब मंत्रणा चल रही थी तो महाराजा रामशाह सिंह तोमर ने कहा, हमारी सैनिक कम है, सेना कम है, हमारे पास संसाधन कम है, हम खुले मैदान में उनसे युद्ध नहीं कर सकते, हमें छापा मार लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। तो उस अनुभवी विशेषज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति का उपहास उसी दरबार में 3 दरबारियों ने उड़ाया और कहा, ये बुढ़ा जो स्वयं को महाभारत सम्राट के वंशज हैं, ये ग्वालियर के महाराजा रहे हैं इनके वंशज, ये तोमर कैसा तोमर है जो मरने से डरता है, वो बुढ़ा हो गया है, जिसके मरघट में पैर रखे हुए हैं, शमशान की ओर जिसका प्रस्थान चल रहा है और मरने से इतना डरता है कि खुले मैदान में लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तब रामशाह तोमर को क्रोध आ गया। रामशाह तोमर उसी समय मंत्रणा और रणनीति की उस बैठक को छोड़ करके चुपचाप अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। अपने तीनों पुत्रों को जगाया, उनसे कहा चलो। पुत्रों ने नहीं पूछा कहां चलना है, बोले सशस्त्र होकर सज कर चलो, मरना है या मारना है। तीनों पुत्र अपने सैनिक वेशभूषा में, युद्ध की बाने में, केसरिया बाने में सज धज कर निकल कर आ गए। और उनका पौत्र, जो कि बहुत छोटा था उस समय, उसकी उम्र बहुत कम थी, मात्र 10 साल, बलभद्र सिंह, वह भी सज कर आ गया। हमारे यहां पर दादा जी से बाबा कहा जाता है, बाबा आप जा रहे हैं, मेरे पिता जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मेरे चाचा जा रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊंगा, मैं भी क्षत्रिय हूं उसी तोमर राजवंश का, मैं भी राजपूत हूं। तो वो भी सच कर निकल आया, वो भी चल गया। इसके बाद जहां तोमरों की, चंबल के जो तोमर थे जिनको वो अपने साथ लेकर के मेवाड़ गए थे चित्तौड़गढ़ में, वहां पहुंचे, उनसे कहा, हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए निकलना है। तो सभी तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा 50 तोमर यहां रहे, 450 चले। तो 450 तोमरों को वो साथ लेकर के और रात में ही निकल पड़े। और यह खबर न महाराणा प्रताप को लगी और न किसी अन्य को लगी। 450 तोमर, रामशाह सिंह तोमर, उनके तीनों पुत्र और पौत्र बलभद्र सिंह रातों रात चलते 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 सुबह तक हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए। अब ये 423 ये और 5 वे, 450 और 5 यानी 455 लोग, मात्र 455 लोगों ने 20,000 की सेना से सीधा मुकाबला शुरू कर दिया, युद्ध कर दिया। और इतना कोहराम मचाया, उनके स्मारक पर जो शिलालेख लगे हुए हैं खड़मोर में, रक्त तलैया है, रक्त तलैया भर दी उन्होंने रक्त से, उस रक्त तलैया खड़मोर हल्दी घाटी उदयपुर के पास में स्थित है राजस्थान में, आप जाकर के देखिए उन स्मारकों को, उन शिलालेखों को पढ़िए। उन्होंने रक्त तलैया को रक्त से भर दिया और केवल 450 तोमर वीरों के साथ, यानी 455 लोगों ने 20,000 को
10-15 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया। मानसिंह भाग खड़ा हुआ, निर्जा मानसिंह भाग खड़ा हुआ। 20,000 की फौज में कोहराम मच गया, टुकड़ियों में भागने लगे लोग। जिसको जहां जगह मिली वह वहां, कोई लाशों के नीचे छुपता फिरा, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। लेकिन तब तक महाराणा प्रताप को पता चला तो 50 सैनिक वीर लेकर के और पहुंच गए। वे आश्चर्यचकित थे कि रात में ही रामशाह तोमर कैसे निकल करके हल्दीघाटी में आ गए और युद्ध शुरू कर दिया। तो वो भी अपना बाना पहन करके मानसिंह झाला के साथ 50 सैनिकों के साथ में वहां पर पहुंच गए और युद्ध शुरू कर दिया। जब युद्ध शुरू कर दिया तो लगभग जो राजा रामशाह सिंह तोमर ने विजय प्राप्त कर ली थी उस युद्ध में, मानसिंह झाला ने महाराणा प्रताप को घायल देखा तो उनके वस्त्र धारण कर लिए और उनका वेशभूषा बना करके घोड़े पे बैठ गया और महाराणा प्रताप को युद्ध से भगा दिया। जब महाराणा प्रताप युद्ध से भाग गए तो युद्ध के परिणाम बदल गए। जो सेना भागी थी मिर्जा मानसिंह की, वो सेना फिर से पलट के आ गई। लेकिन लड़ते लड़ते शाम का वक्त हो चुका था, युद्ध पूरी चरम सीमा पर था। रामशाह सिंह तोमर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे, उनके तीनों पुत्र बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। बलभद्र सिंह, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, उनका पौत्र, खून से पूरा नहाया हुआ था मगर युद्ध कर रहे थे। अपने क्षत्रियत्व को, अपने राजपूतत्व को सिद्ध कर रहे थे, साबित कर रहे थे कि हां हम महाभारत सम्राट के वंशज हैं, हम अर्जुन के वंशज हैं, हम तोमर हैं, हम पांडव हैं, हम हैं और हमारे बराबर कोई नहीं है। और लड़ते लड़ते वीर गति को वहीं पर राजा रामशाह सिंह तोमर, उनके तीनों पुत्र कुंवर शालिवान सिंह तोमर, कुंवर प्रताप सिंह तोमर और कुंवर भवानी सिंह तोमर और उनका पौत्र भंवर बलभद्र सिंह तोमर वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं उनके साथ 423 तोमर वीरगति को प्राप्त हुए, एक भी जीवित नहीं लौटा। सब ने अपनी वीरगति वहीं उसी स्थान पर एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही युद्ध में तीन पीढ़ियों ने एक साथ प्राप्त की। भारत के इतिहास में, करोड़ों वर्ष के इतिहास में अभी तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई जहां तीन पीढ़ियां एक साथ में वीरगति को प्राप्त हुई हो, एक साथ बलिदान दिया हो, एक ही दिन, एक ही वक्त। और इससे पूर्व उनके पिता विक्रमादित्य सिंह तोमर पानीपत के युद्ध में सन 1526 में वीरगति को प्राप्त हुए थे बाबर से लड़ते हुए। तो अगर कुल मिलाकर गिना जाए तो ये चार पीढ़ियों का बलिदान था। चार पीढ़ियों ने वीरगति प्राप्त करी लगातार एक साथ, तीन पीढ़ियों ने तो एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह पर वीरगति प्राप्त की, जिनके स्मारक आज भी वहां लगे हुए हैं, बने हुए हैं। महाराणा प्रताप के पौत्र ने सन 1624 में उन स्मारकों का निर्माण करवाया, उन पर शिलालेख लगवाए। जो शिलालेख लगे हैं, स्मारक बने हुए हैं, वो जगह है रक्त तलैया खड़मौर हल्दी घाटी, उदयपुर राजस्थान के निकट है। तो ग्वालियर में इस संबंध में तोमर क्षत्रिय राजपूतों ने हल्दीघाटी दिवस मनाया और ग्वालियर के अंतिम सम्राट विक्रमादित्य सिंह तोमर
के पुत्र रामशाह सिंह तोमर, जो कि डंडोली, जिनका पैतृक गांव था, डंडोली में जाकर के रहने लगे। उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष की उम्र में वे अपने पैतृक गांव डंडोली अंबा तहसील में पहुंच गए। वहीं उनका विवाह हुआ, वहीं उनके 3 पुत्र हुए। और उसके बाद हल्दी घाटी में ये कहानी समाप्त हुई। ये वीरगति दिवस पर ग्वालियर में तोमर क्षत्रिय राजपूतों ने श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किए उनकी याद में, उनकी स्मृति में। ये चित्र हम आपको इस फिल्म में दिखा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब हम आगे की यह फिल्म जारी रखते हैं। महाभारत के योद्धा अर्जुन की मां कुंती का कुंतल। अब आप इस फिल्म में आगे देखिए, ये भारत की वो जगह है, ये स्थान असल जगह है, दुर्वासा ऋषि ने जहाँ पर तपस्या करी थी। तो यहीं पर आके मैया को कर्ण का जन्म हुआ, मंत्र दिए गए, मंत्र दिए अर्जुन की मां कुंती का। फिर नीचे जाके उनका गृह राज्य करा था कुंतलपुर, वहां पर इसे कुतवार कहा जाता। उनका रथ महाराजा कुंती भोज का राज्य, घोड़ों के सुम में। हम आपको इस फिल्म में वह शिव मंदिर दिखा रहे हैं जहाँ महारानी कुंती पूजा करती। तो सुमों के निशान, यह वह असल शिव मंदिर है जहाँ महारानी कुंती ने पूजा की हमेशा। यह वह असल शिवलिंग है। ये शिवलिंग देखिए, इसी शिवलिंग की पूजा महारानी कुंती द्वारा की जाती है। ये मेरा नाम, ये आज भी ज्यों का त्यों जस का तस है। ये मंदिर ज्यों का त्यों, इस मंदिर को आप शिव मंदिर को गौर से देखेंगे, मतलब दोनों गांवों तो आपको सारे राज्य इस मंदिर में स्वतः नजर आएंगे। गांव हरिगमा है कुंती, वहाँ का ही जन्मभूमि। कुंती का असल नाम प्रथा था। मैं दो महीने से आया हूँ। और महाराजा कुंती भोज ने उनको गोद लिया, पैर में लग गई है, यानी दत्तक ग्रहण किया था। थोड़ा चोट आ गई है, जब से बिन्ने बुला ले तब से हम जे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की सगी बहन थी कुंती। तो श्री कृष्ण के जो पिता वसुदेव थे उनकी सगी बहन थी कुंती, उनका नाम था प्रथा। असली और सही नाम उनका प्रथा था, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहकर के, या तोमर राजवंश के लोगों को पार्थ भी कहा जाता है। प्रथा के पुत्र थे तो पार्थ कहकर के भी श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को पुकारा है, और भी ग्रंथों में पुकारा गया है। तो वो कुंती जिनका नाम प्रथा था और महाराजा कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, तो वे उनको गोद लेकर के वसुदेव से, उन्होंने वसुदेव के पिता से उनको भिक्षा में मांगा। तो उन्होंने उन्हें कुंती भोज को गोद दिया, दत्तक ग्रहण कराया। इसलिए श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती, इसीलिए श्री कृष्ण जो है कुंती को बुआ जी कहते थे, क्योंकि उनकी सगी बुआ थी वे। तो यह जो शिव मंदिर आप देख रहे हैं, शिवलिंग आप देख रहे हैं, हम उनके महंत जी का इसमें इंटरव्यू भी आपको दिखा रहे हैं इस फिल्म में। इसके ठीक नीचे यह वो आसन नदी है जहाँ सूर्य का रथ उतरा था। यह दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है। ये जो शिव मंदिर है यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने तप किया था। ये दुर्वासा का तपस्थल है, दुर्वासा ऋषि का। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को 5 मंत्र दिए थे देवताओं का आह्वान करने के। उस मंत्र को जांचने के लिए इसके ठीक मंदिर के नीचे ये आसन नदी है।
ये वही आसन नदी है जहां पर वह पहले स्नान करती थीं, फिर पूजा करती थीं। नित्य का उनका स्नान के लिए यह नियम था, और फिर शिव मंदिर में पूजा करने का। दुर्वासा ऋषि उस समय वहां तपस्यारत थे, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको 5 मंत्र दिए थे देवताओं के आह्वान के। तो उन्होंने यूं ही परीक्षण के लिए, जांच के लिए सूर्य का आह्वान कर दिया था। स्नान के बाद सूर्य का आह्वान किया तो सूर्य का रथ उतरा था। तो आप यहां पर ये जो फिल्म में देख रहे हैं, यहां पर सूर्य के रथ के और सूर्य के जो घोड़े जो रथ में से ढील दिए गए थे सारथी द्वारा, तो घोड़ों के टापों के निशान इन चट्टानों पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको, ये निशान प्राकृतिक हैं, इनको किसी भी भांति से कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ये स्वतः ही निशान ही बताते हैं, स्वतः ही निशान चिन्ह ही बोलते हैं। घोड़ों की टापों के जो निशान ये चट्टानों में छपे हुए हैं, ये कोई एक नहीं है, सैकड़ों हैं। इधर भी हैं और नदी के उस तरफ भी। हमने दोनों साइड, नदी के दोनों साइड के चित्र लिए हैं, दोनों साइड का वीडियो बनाया है। तो आप इनको देखिए, और यहीं पर सूर्य के स्वयं के पैरों के चिन्ह हैं, इन चिन्हों को भी आप देखिए। स्वयं सूर्य, सूर्य नारायण के पांव के चिन्ह यहाँ पर छपे हुए हैं, और जो ये भी चट्टान में प्राकृतिक रूप से बने हैं। तब संभवतः, अब यहां इस नदी में रेत नहीं है, तब संभवतः यहां रेत रही होगी, और सूर्य की गर्मी के कारण वह रेत चट्टानों में तब्दील हुई होगी, हुई ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि ये सारे निशान जितने भी हैं, ये सब चट्टानों में हैं। अब हम आपको यहां पर कुंती का ये शिव मंदिर, अर्जुन की ननसार कुंतलपुर, इसकी पूरी कहानी हम आगे आपको और सुनाएंगे, और आगे बताएंगे। तो यह वह स्थान है जहां कर्ण का जन्म हुआ, यही वह जगह है जहां पर कर्ण को स्वर्ण मंजूषा में रख करके इसी नदी में, इसी जगह पर प्रवाहित किया गया था। इस जगह को कर्णखार कहा जाता है, ये कर्णखार के नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्ण का जन्म हुआ, ये जो सूर्य के घोड़ों के टापों के निशान, सूर्य के निशान, और ये जो यहाँ पर चट्टानों पर हैं मौजूद, यहीं पर ही कर्ण को स्वर्ण मंजूषा में रख करके इसी जगह पर, इसी कर्णखार में, इसी आसन नदी में यहां प्रवाहित कर दिया गया था। आगे आप फिल्म में देखते जाइए, हम आपको भारत की आगे की कहानी, आगे की पूरी प्राचीन और प्रामाणिक, शत प्रतिशत प्रमाणित और भौतिक साक्ष्यों के साथ में दिखाते जा रहे हैं। आप देखते जाए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत योद्धा अर्जुन का वंशज, और पूरे विश्व के इस भूधरा के महाभारत के अंतिम सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, दिल्ली पति महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी द्वारा यह स्वर उच्चारण किया गया। यह उस अर्जुन का स्वर है जो महाभारत के मैदान में गूंजा। यह उन सम्राटों का स्वर है जिन्होंने 5500 वर्ष तक इस विश्व पर, इस महाभारत पर, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन से शासन किया। यह पूरा स्वर उच्चारण आपने इस फिल्म में मेरा सुना। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष इस फिल्म में अपना स्वर दे करके
स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और अपनी कुलदेवी यमा योगेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। तो ये फिल्म भारत का भाग दो हमने प्रस्तुत किया। हम चंबल के घनघोर बीहड़ों में घूमते 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 इस जगह तक पहुँचे। ये जगह चंबल के घनघोर बीहड़ों में स्थित है। तो ये जो पूरा असल भौतिक स्थान, असल स्थान शूट करके हम आपके लिए लेकर आए और भारत फिल्म का ये भाग दो प्रस्तुत हुआ। जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।